10 दिन की जद्दोजहद के बाद एक आदमी अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हाथ में लेकर अस्पताल के रिसेप्शन पर खड़ा था। आसपास कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, उसका अभिनंदन कर रहे थे। जंग जो जीत कर आ गया था वो, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर बेचैनी की गहरी छाया थी। गाड़ी से घर के रास्ते भर उसे याद आता रहा आइसोलेशन नामक खतरनाक और असहनीय दौर का वो मंजर। न्यूनतम सुविधाओं वाला छोटा सा कमरा, अपर्याप्त उजाला, मनोरंजन के किसी साधन की अनुपलब्धता। कोई बात नहीं करता था और ना ही कोई नज़दीक आता था। खाना भी बस प्लेट में भरकर सरका दिया जाता था। कैसे गुजारे उसने वे 10 दिन, वही जानता था। घर पहुंचते ही स्वागत में खड़े उत्साही पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह शख्स सीधे घर के एक उपेक्षित कोने के कमरे में गया, जहां माँ पिछले 5 वर्षों से पड़ी थी। माँ के पाँव में गिरकर वह खूब रोया और उन्हें लेकर बाहर आया। पिता की मृत्यु के बाद पिछले 5 वर्षों से एकांतवास भोग रही माँ से कहा कि माँ, आज से आप हम सब एक साथ एक जगह पर ही रहेंगे। माँ को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर बेटे ने उसकी पत्नी के सामने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर ली। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन एकाएक कैसे हो गया। बेटे ने फिर अपने एकांतवास की सारी परिस्थितियां माँ को बताई और बोला कि अब मुझे एहसास हुआ कि एकांतवास कितना दुखदायी होता है। बेटे की निगेटिव रिपोर्ट उसकी जिंदगी की पॉजिटिव रिपोर्ट बन गई।